वेलकम टू LMP सेवाज एकेडमी। चलिए हम लोग चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक ट्रायंगल है ये, इसका मैं नाम देता हूँ ABC। चलिए अब इस ट्रायंगल के साथ मैं कुछ करता हूँ। देखना, इस ट्रायंगल में मैं BC साइड जो है उसको एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैंने एक्सटेंड किया मान लो D पॉइंट तक। क्या किया, BC लाइन को मैंने एक्सटेंड किया D पॉइंट तक। तो अब देखिए ACD एक एंगल हमारा बन रहा है। मान लीजिए मेरा एंगल हो गया एंगल 3। क्या हो गया, एंगल 3 मान लेते हैं, और ये ABC को हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं और BAC को एंगल नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या लेट किया, हमने लेट किया है एंगल ACD को हमने एंगल 3 माना है। ये एंगल ACD कैसे परफॉर्म हुआ, ये आप लोगों को दिख गया होगा कि मैंने BC को क्या किया, एक्सटेंड किया है D पॉइंट तक, ठीक है। एंड एंगल ABC को मैंने एंगल 1 माना है एंड एंगल BAC को मैंने यहाँ पर एंगल 2 माना है। तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कौन से हैं और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल आपका कौन सा, ये रहा एंगल 3। एंगल ACD आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। देखिए ट्रायंगल के क्या हो रहा है, बाहर परफॉर्म हो रहा है। तो एंगल ACD दैट इज, मैं लिखूँ एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एंगल ACD जो मेरा एंगल 3 से मैंने लेट किया था इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इसके जो अपोजिट में इंटीरियर है, मतलब इसके अपोजिट मतलब इसके साथ में, ये तो साथ में इंटीरियर वाला, लेकिन इसके अपोजिट में देखिए दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल 1 एंड एंगल 2। दैट इज, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ACD, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। हाँ, तो एंगल ACD जो मेरा एंगल 3 था वो क्या था, मेरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो उसके अपोजिट में दो एंगल आए, एंगल 1 एंड एंगल 2, और वो दोनों मेरे कैसे थे, इंटीरियर। इसीलिए मैंने इनको क्या कहा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ACD जो हमारा एक्सटीरियर एंगल था। तो ये था हमारा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग थ्योरम देखते हैं ट्रायंगल की। एक पहली थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 होते हैं, टोटल एंगल 6 होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी 3 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब पहली थ्योरम यह कह रही है कि आपका एक ट्रायंगल है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल परफॉर्म कर लिया ABC जिसकी मैंने नेमिंग कर दी। तो बोल रहा है ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपका कितना आने वाला है, 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, ये थ्योरम है कि रिजल्ट के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे प्रूफ हो रहा है। चलिए, तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मुझे किसी तरीके से इन तीनों में क्या लाना है, रिलेशन लाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो मैं अगर ऐसे देखूं तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बताया कि आप पैरेलल लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक कॉर्नर से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी सीखी, तो जब भी हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते थे कि हमें ट्रांसवर्सल मिल जाए और हमें हमारे बाकी सारे रिलेशन जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वो हमें पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ मिलने लग जाए। तो देखिए BC एक पैरेलल लाइन है, लेकिन अभी पैरेलल लाइन नहीं। अब मैं इसको पैरेलल लाइन कर देता हूँ किसके, मान लीजिए मैं A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नाम है DE। क्या नाम है, DE।
एक ए पॉइंट से ए कॉर्नर से मैं डी ई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर मैं इसको भी ऐसे कर दीजिए तो ये पैरेलल क्या है बी सी के। तो सबसे पहले काम में क्या करने जा रहा हूँ, वी ड्रॉ अ लाइन डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ये लिखना बहुत ज़रूरी नहीं, तो ये तो यहाँ पर भी आ सकता है, नीचे भी ऊपर भी, तो इसकी एक लोकेशन हमें फिक्स करनी पड़ेगी। मैंने ए पे इसलिए फिक्स किया क्योंकि ये मुझे एक ट्रांसवर्सल, ए बी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव होने लगे और ए सी भी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव होने लगे। तो सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ करी एक लाइन डी ई जो पैरेलल थी मेरे बी सी के एंड पास करी थी पॉइंट ए से। अब देखिए ए बी और ए सी मेरी बिहेव करने लगी एज अ ट्रांसवर्सल। तो जब एज अ ट्रांसवर्सल ये ए बी ए सी बिहेव करने लगे तो मुझे यहाँ से क्या बेनिफिट मिला कि मैं अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, जैसे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो मुझे लाना क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो मैंने देखा भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, और ए बी ट्रांसवर्सल है बी सी और डी ई के बीच का। तो अगर ये एंगल मेरा एंगल बी है तो ये मेरा बताओ कितना होगा, ये भी एंगल बी होगा। सोचिए देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये देखिए ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल है, ये इंटीरियर है, ये एल एच आर एच एस में, तो ये भी देखिए आपका, ये देखिए ये भी इंटीरियर में ट्रांसवर्सल और पैरेलल की लाइन के बीच में बन रही है, ये भी इंटीरियर है, और दोनों क्या है अपोजिट तरफ, एक एल एच एस में ट्रांसवर्सल थे एक आर एच एस में। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ ये कौन से पेयर कहलाएंगे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जिसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ठीक। चलिए अब एक चीज़ और देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी तरीके से अगर आपका ये एंगल सी है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एंगल सी। तो मैं लिख सकता हूँ एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल सी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो, है ना, बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में कर रखे हैं, ठीक है। तो देखिए अब मुझे ये एंगल कितना, एंगल ए है, तो देखिए एंगल डी ए सी डी ए ई आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। अब डी ए ई इज अ डी ई एन डी ए ई डी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। तो इस टोटल को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, देखना एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये देखिए बी एंगल प्लस ए एंगल प्लस एंगल सी, ये देखिए पूरा आपका एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, वो मेरा कितने के बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। यही तो मुझे कुछ प्रूफ करना था, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब इसी को मैं अरेंज करके लिख दूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए प्रूफ कर दिया, दैट इज़ अगर मेरा लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से क्लियर है तो मैं ट्राइंगल की क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। ये देखिए जो आपकी थ्योरम थी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये पूरी तरीके से डिपेंड थी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच की प्रॉपर्टीज़ की, जिसको मैंने बड़े आराम से डिस्कवर किया और अप्लाई किया। चलिए एंड हमारी अब सेकेंड थ्योरम है, कह रहा है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मुझे, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी सी। ये कह रहा है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है बढ़ाना, तो मैं मान लीजिए एक साइड बी सी जिसको मैं बढ़ाने जा रहा हूँ,
बढ़ा दिया मैंने, मान लो डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, डी पॉइंट तक। तो ये कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल, अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला हमारा एक्सटीरियर। सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर, तो इसके इंटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो बोल रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, मैं मान लीजिए नाम दे देता हूँ एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर, जहाँ पर मेरा एंगल फोर क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल वन एंड एंगल टू इज़ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो एक्सटीरियर के क्या हैं, अपोजिट है। तो मुझे यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल, जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो इक्वल है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल है किसके, टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू मुझे प्रूफ करना है। तो ये चीज़ मुझे प्रूफ करना है, तो चलिए सोचते हैं कैसे करेंगे। अभी हमने जस्ट पढ़ी इससे पहले प्रॉपर्टी ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वो चीज़ हम लोग सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं अपनी पहली इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखिए एंगल थ्री एंड एंगल फोर आपका लीनियर पेयर है, हाँ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे ही एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल थ्री और एंगल फोर आपके कैसे हो जाएंगे, एक लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूँ बाई लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर क्या होता है कि जो भी दो लीनियर पेयर उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने यूज़ किया ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी को, उसके बाद मैंने यूज़ किया लीनियर पेयर एंगल्स को। लीनियर पेयर को एंगल को मैंने क्यों यूज़ किया, ये आपके माइंड में इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सटीरियर एंगल को इंट्रोड्यूस करना था किसी तरीके से इंटीरियर के साथ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था वो इंट्रोड्यूस करने का, जो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए दोनों का आरएचएस क्या है, सेम। अगर दोनों का आरएचएस सेम है इक्वेशन का, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होना चाहिए, सेम। समझ में आया, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। अब देखिए एंगल थ्री कट जाएगा, क्योंकि प्लस का वहाँ जाके जाएगा तो माइनस का, तो एंगल थ्री में से एंगल थ्री कट जाएगा, ये काट दिया मैंने। तो देखिए आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर। क्या यही नहीं प्रूफ करना था आपको, ये देखिए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल फोर इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू। देखिए जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो हम लोग प्रूफ्ड कर चुके। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रॉपर्टी था, तो ये आपको एक तरीके से रिजल्ट में याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एंगल फोर मेरा एंगल वन प्लस एंगल टू हो चुका। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ट्राइंगल के ऊपर हम लोगों ने देख ली। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसका यूज़ हम लोगों ने यहाँ किया, एंड देन फाइनली हम लोगों ने एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया। ये आपको रिजल्ट की तरह यूज़ करना है, लेकिन पेपर में आपको बोलता है कि थ्योरम आपको लिखनी है तो प्रॉपर इस तरीके से लिखनी है, और वो वाली थ्योरम लिखनी होगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की, तो आपको उस तरीके से लिखनी है। चलिए तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू LMP सेवाज अकेडमी, और इसी तरीके से आपको भी 9th के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू सब्सक्राइब, थैंक यू।